हेलो वेलकम टू TNT। इस वीडियो में जानते हैं 14 जून का इतिहास और कुछ प्रमुख जन्मदिन भी। यदि आपका भी आज जन्मदिन है तो करेंगे वो भी सेलिब्रेट। तो आइए तमाशा देखते हैं। चौदह जून 1775 अमेरिकी सेना की स्थापना हुई। 14 जून 1775 को अमेरिकी कांग्रेस ने बैठक के दौरान अपना फ्लैग चुना। 14 जून 1777 को 14 जून 1901 पहली बार गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 14 जून 1901 को 14 जून 1907 नॉर्वे में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला। 14 जून 1907 को 14 जून 1922 अमेरिकी राष्ट्रपति वॉरेन जी हार्डिंग ने रेडियो पर अपना पहला भाषण दिया। 14 जून 1922 को 14 जून 1934 ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हिटलर और मुसोलिनी की मुलाकात हुई। 14 जून 1934 को 14 जून 1940 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना ने फ्रांस की राजधानी पेरिस पर कब्जा किया। 14 जून 1940 को 14 जून 1940 वियतनाम राष्ट्र का गठन हुआ। 14 जून 1949 को 14 जून 1962 पेरिस में यूरोपियन अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई। 14 जून 1962 को 14 जून 1980 अर्जेंटीना के सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के समक्ष फोकलैंड द्वीप में आत्मसमर्पण किया। 14 जून 1980 को आप जानते हैं 14 जून के कुछ जन्मदिनों के बारे में। 14 जून 1955 भारतीय अभिनेत्री किरण खेर का जन्म हुआ। 1971 भारतीय संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती का जन्म हुआ। 1960 भारतीय अभिनेता शेखर सुमन का जन्म हुआ। 1920 भारतीय अभिनेता भरत भूषण का भी जन्म हुआ। इन सबको इनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन अगर आपका भी जन्मदिन है तो आपको भी आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहो, दूसरों को खुश रखो। आपके जीवन के लिए जो उचित और सर्वश्रेष्ठ हो भगवान उसे हमेशा परिपूर्ण करें। 14 जून को जन्मे हुए लोग राशि मिथुन, राशि यानी जैमिनी, वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट के होते हैं। बहुत डायनेमिक होते हैं, बहुत प्रतिभाशाली होते हैं और खेलों में रुचि रखने वाले व्यक्ति होते हैं। जरूरी नहीं आपकी राशि भी यही हो, आपकी राशि कुछ और भी हो सकती है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, तो आप चेक करवा लें। ये जो मैं बता रहा हूँ ये रोमन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। इस वीडियो में इतना ही। आप जानना चाहते हैं और भी दिनों का इतिहास तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगी सारी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगे और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे TeamNationTamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।